तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र छात्रा मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, जो अभी जो है ना क्लास नाइन्थ का एडमिशन करा है, जिनका जो है ना क्लास नाइन्थ का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जाना है, उससे पहले जो है ना मैं आपको बता दूँ कि जो भी छात्र छात्रा है क्लास नाइन्थ में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनका अभी दो एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, फाइनल एग्जाम से पहले दो एग्जाम देना पड़ेगा। और ये दो एग्जाम क्या है, तो पहला जो है ना जिसका नाम है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम सावधिक परीक्षा, वही दूसरा एग्जाम जो होगा समझिए सेकेंड टर्मिनल एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय सावधिक परीक्षा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम कब होने जा रही है, उसका क्वेश्चन जो है ना वायरल क्वेश्चन पेपर में लेकर बता रहा है। इससे अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम है काफ़ी है ना अच्छा बीतेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा दूँ, सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है यहाँ पर 20 जुलाई से एग्जाम होने जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं। अगर आप इस रूटीन को नहीं देखे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि किस छात्र का कब जो है ना एग्ज़ाम है और किस पाली में एग्जाम है, तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला दिन जो आपका इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश का पेपर अभी नहीं अपलोड किया हूँ, डायरेक्ट मैं विज्ञान का पेपर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इंग्लिश का पेपर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, इसे आप तैयारी कीजिए। और इसी तरह से जो है ना वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों के पास शेयर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 से 2024 सेशन, ठीक है, जिनका जो है ना सेशन 2023 से 2024 यानी कि क्लास नाइन्थ का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, उसका साइंस का एग्जाम है क्लास नाइन के छात्र छात्रों का। यहाँ पर जो है ना सारा का सारा यानी सावधानीपूर्वक स्टेप बाय स्टेप नियम दिया गया, इस नियम को पढ़ना है। उसके बाद जो है यहाँ पर समय जो दिया गया है वो 2 घंटा 45 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें 80 पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क जो है ना 80 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, इसमें 48 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। ठीक है, तो मैं आपको 48 का 48 ऑब्जेक्टिव का आंसर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए खंड अलिखा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ है और दिया गया 1 से लेकर 48 तक 40 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो देखिए त्वरण का जो मात्रक होता है समझिए वो क्या होता था। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -2 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मीटर एस -2, ठीक है, मीटर एस -2 बोल सकते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आगे जो है आप प्रश्न दिया हुआ, यहाँ पर देखिए पर सेकेंड इसको बोल सकते हैं। ओके, चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बढ़ते हैं और यहाँ पर कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या आता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर से इनमें से आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है MS-2, MS-1 और S दिया हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनका जो सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MS-2, ठीक है, मतलब मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, -2 दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 में, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। ठीक है, तो वैसी राशि जो है एक सदिश होगा। ठीक है, वो ये तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो विस्थापन है, चाल है, त्वरण है, वेग है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो कहोगे सर इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी सुनाओ, तो बिल्कुल जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा। ओके, चलिए, वेरी, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर सी में दिया हुआ त्वरण, तो त्वरण हमारा आंसर होगा। 3 में तो बढ़ते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं। समय के साथ वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो याद रखना त्वरण ही कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चाल चल रही है तो वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की उनकी चाल होगी। ठीक है, आपको बताया, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, जैसे तो ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनका जो सही होगा क्या होगा, तो 4 का जो सही है वो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल 72 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 72 किलोमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ फर्स्ट में प्रश्न दिया हुआ, देखिए जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तब इस गति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस गति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दोलनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, जल्दी से बताओ, ए हो जाएगा सही है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते, 6 में यहाँ पर प्रश्न दिया, देखिए ये किसी भी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, आपको यह बताना। ठीक है, तो 5 का जो सही होगा क्या होगा,
गज सही हो गया, 6 गज सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि व्यसन वेग कहते हैं। ठीक है, 7 के बढ़ते 7 में प्रश्न दिया हुआ, देखिए कहता है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बल का जो एसआई मात्रक होता है आपको बताना क्या होता है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आके 8 के बढ़ते 8 में दिया, किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने से उनका जो संवेग होगा क्या होगा। ठीक है, यह दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, चौथाई हो जाती है, आधा हो जाता है। ठीक है, तो 8 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है 9 में, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, मतलब यहाँ बताया कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है। ठीक है, तो 9 का सही ऑप्शन नंबर जो है विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चालक का एसआई मात्रक क्या होता है, चालक का एसआई मात्रक की बात किया तो इसका सही होगा मीटर पर सेकंड होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है, 11 के बढ़ते हैं, अगर दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशि अब क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो 11 का सही अब क्या होगा, हाँ 11 का सही आप क्या हो जल्दी सुनो, तो बिल्कुल 100% जो वो अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे याद रखना। अगला प्रश्न आपके पास है 12 में, 12 में प्रश्न दिया, देखिए किसी गाड़ी के ओडोमीटर क्या बोला है, किसी गाड़ी के ओडोमीटर को मापा जाता है तो क्या चीज़ से मापा जाता है आपको बताना है। देख सकते हैं इसका जो सही आंसर क्या होगा, 12 का जो है ना, किसी गाड़ी के ओडोमीटर को मापा जाता है तो किससे मापा जाता है आपको बताना है, तो 12 का सही होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि चाल से और दूरी से दोनों से मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है संवेग विस्थापन तथा समय के संबंध को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 13 का जो सही होगा वो आपको बताना। ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है जल्दी से बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा बाबू, 13 का बिल्कुल 100% बी हो जाएगा। ठीक है, वेग बराबर जो है विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, 14 के बढ़ते हैं, कहते हैं यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है तथा पुनः उसी रास्ते में बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, ये आपको बताना था। 14 का सही ऑप्शन में ए होगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, क्या होगा, गया और आया तो बराबर यानी कि शून्य हो जाएगा। ठीक है, कहता है किसी वस्तु के जड़त्व की माप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के जड़त्व को माप को क्या कहते हैं, तो इस बात को याद रखना, 15 का सही होगा वो द्रव्यमान कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग कितना होता है। ठीक है, तो एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग होता है वो कितना होता है, 16 का सही ऑप्शन नंबर जो नहीं कि यू प्लस बी बट्टा में 2 हो जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है निम्नलिखित में कोशिकांगों में किसके आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, तो 17 का सही है क्या होगा जैसे बताऊँ, तो 17 का कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि क्या होगा, लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, यानी कि आत्महत्या के इसको थैली भी बोला जाता है। ठीक है, इनमें कौन चयनात्मक परमाग झिल्ली है। ठीक है, तो चयनात्मक परमाग झिल्ली कौन है, इनमें से कौन है आपको बताना है, तो क्या होगा, 18 का सही हो, तो 18 का सही हो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका झिल्ली होगा। ठीक है, 19 के बढ़ते हैं, कोशिका में रक्त राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। ठीक है, तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं, प्रोटीन एंड संश्लेषण दोनों कार्य संपादित नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते 20 में दिया हुआ, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, इसको याद रखना। ठीक है बाबू, तो इसका सही होगा 20 का जो है ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल 100% कोशिका झिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली ऑप्शन नंबर डी। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति किसमें होती है, ठीक है याद रखना, अर्धपरामागी होती है, क्या होता है, अर्धपरामागी होता है, अर्धपरामागी। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, ठीक है, तो रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, 22 का यानी ऑप्शन नंबर ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 23 में बढ़ते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो याद रखना पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो है याद रखना वो विसरण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखना कोशिका सिद्धांत की बात किया है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली बनी होती है तो क्या चीज़ से बनी होती है, तो कोशिका जो झिल्ली बनी होती है वो ऑप्शन नंबर याद रखना सी हो जाए सही है। ठीक है, क्या चीज़ से बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीनों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लास्टिड एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो याद रखना 26 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही है। ठीक है, याद रखना क्या होगा, इनमें से सभी हो जाए। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, पहुँचाया जाता है, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जाइलम द्वारा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके पास है 28 में क्या कहता है, पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। ठीक है, तो पौधे की जो लंबाई है वो किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 28 का सही आंसर क्या होगा, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल 100% क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पार्श्व
बहुत जी उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है 29 में, पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो किस पदार्थ की, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सेल्यूलोज के द्वारा बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक, प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो बिल्कुल है, वो एक कोशिकीय होते हैं, क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, क्या होता है, एक कोशिकीय, याद रखना। अगला प्रश्न आपके पास है बाबू, अगला प्रश्न है कि जिन कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य एक समान होता है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ठीक है, उन समूहों को क्या कहते हैं। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन ए हो, यानी कि उत्तक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस कोशिका अंग को अपना डीएनए राइबोसोम होता है, ठीक है, तब 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अगला प्रश्न 33 में किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस के परिवर्तन कहलाता है, क्या कौन सा है, तो ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास ये, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बाबू, तो 34 का बाबू इसका आंसर जो है ना प्लाज्मा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 20 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होता है, तो ठोस, द्रव, गैस, इनमें सब कोई नहीं, तो 35 का सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल द्रव होता है, क्या कहते हैं, द्रव होता है। अगला प्रश्न 36 में, गर्म करने पर गैसों का आयतन होता है, क्या होता है, तो आयतन क्या हो जाता है आपको बताना, तो 36 का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, तो गर्म करने पर जो है ना घट जाता है, क्या होता है, घट, आयतन क्या होता है, घट जाता है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना उस बाबू के इस उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गलनांक कहते हैं, क्या कहते हैं, गलनांक। कौन से पदार्थ का ठोस रूप शुष्क बर्फ में नाम से जाना जाता है, ठोस शुष्क बर्फ नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पर जाना जाता है उल्टा, तो इसका सही आंसर 38 का क्या होगा बाबू, तो 38 का कहेंगे बाबू ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल 100% यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, हवादार जगहों पर द्रव में वाष्पन का वेग क्या कहलाता है, तो 39 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, क्या होगा, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है, तो याद रखें मेरा बाबू, गैस का द्रव में परिवर्तन वो क्या कहलाएगा, तो संघनन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 41 में, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, यह बताना है, तो 41 का बाबू इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो इसका आंतरिक अंतरानुक बल कहलाता है, ठीक है, अंतरानुविक बल कहलाता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 273 केल्विन है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड, इस ताप का मान कितना होगा, ठीक है, तो ये आपको बताना, तो ये आप देख सकते हैं, ये 10,000 दिया हुआ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 42 का, तो 42 का 100% वो आंसर होगा ऑप्शन बिल्कुल ए होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 43 में, केल्विन नामांकित में किसका मात्रा है, ठीक है, तो 43 का आंसर क्या होगा बाबू, आंसर जल्दी से बताओ, 43 का आंसर जो ना ऑप्शन बी होगा, सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ठीक है, तापमान का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, बर्फ़ का एक टुकड़ा है जल की सतह पर तैरता रहा है, क्योंकि बर्फ़ एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बताया जा रहा है, तो 44 का सही आंसर जो है बिल्कुल 100% यानी कि बर्फ़ जल से हल्का होता है, क्या होता है, बर्फ़ जल से हल्का होता है, ऑप्शन नंबर सी हुआ सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मिस्र है, ठीक है, तो याद रखना, मिस्र की बात किया गया, तो इसका सही आंसर बारूद है, बिल्कुल मिस्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ठोस का द्रव में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, याद रखना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हुआ सही है। ठीक है, 47 का आंसर क्या होगा भाई, तो 47 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु कौन है, ठीक है, आपको बताना है, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो, यानी कि पीतल हो जाए। ठीक है, 48 का बढ़ते हैं, 48 में दिया हुआ है कि विलयन किस प्रकार का मिश्र है, ठीक है, तो विलयन किस प्रकार का मिश्र है, याद रखना बाबू, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, हाँ, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा, संगामी हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं पूरा है ना ऑब्जेक्टिव 48 को कर लिए, जिनमें से आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो ये वायरल प्रश्न, इसे आप तैयारी कीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से, ये आपका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर बता रहा हूँ, ताकि जो ना फाइनल एग्जाम आए तो उसमें आप आराम से छेक पाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव इश्यूज में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आप जो ना खुद से इसकी तैयारी कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर रूटीन नहीं डाउनलोड किए हैं तो पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम जो है सर्च कीजिए गूगल में, और वहाँ पर जाइएगा और 9th क्लास में जाइएगा, और वहाँ पर एक सेक्शन बना होगा, ठीक है, 9th का, उसी में लिखा होगा फर्स्ट एनुअल एग्जाम रूटीन। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करके जो है आप डाउनलोड कर पाइएगा रूटीन को। ठीक है, तो इसको शेयर करना है दोस्तों के पास, जहाँ जितना हो सके उतना शेयर कर देना है,
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बता सकते हैं।